लाइफ बनती है छोटे छोटे प्यारे प्यारे पलों से। कभी कभी उन छोटे पलों में इतनी खुशी होती है कि हमें बड़े बड़े वो जो कहते हैं ना गाड़ी बंगला घर उसमें जो खुशी मिलता है ना, उससे भी ज़्यादा खुशी हमें उन छोटे पलों में मिल जाता है। ऋषि और संगीता की नई नई शादी हुई थी। उस दिन संगीता थोड़े लेट उठे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए किचन की ओर, वहाँ पे देखा ऋषि ऑलरेडी किचन में कुछ खाना बना रहे थे। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग ऋषि, तुम इतने सुबह सुबह कैसे उठ गए यार? ये तो पहली बार देख रही हूँ, चमत्कार हो गया भाई। ऋषि ने कहा, क्यों मैडम, क्या हम आपसे जल्दी नहीं उठ सकते? तो बस सरप्राइज करने के लिए उठा, लेकिन तुमने ना सारा सरप्राइज बर्बाद कर दिया। अच्छा जी, बताओ क्या सरप्राइज दे रहे हो मुझे? वैसे तुमने खाना बनाना कैसे सीख लिया? अभी तो देखो, दिखाओ ना। अरे दिखाओ ना। नहीं नहीं संगीता, प्लीज़ संगीता, देखो तुम किचन में एंट्री मत करो, तुम चली जाओ, मुझे चुपचाप बनाने दो, ठीक है? लेकिन तुम बना कहाँ से रहे हो? रेसिपी क्या है, बताओ तो सही। अरे मैं यूट्यूब से सीख रहा हूँ मैडम, मुझे ट्राई तो करनी दो। अच्छा बाबा ठीक है, ट्राई करो। ओके, उसके बाद संगीता चली गई अपने बेडरूम के और आराम करने लगी। थोड़ी देर बाद संगीता को बहुत भूख लगी और वो भी परेशान कि अरे यार खाना बना रहा है कैसा बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें संगीता के दिमाग में चल रही थी। और तभी संगीता ने अपने पति देव यानी ऋषि जी को आवाज़ लगाई। ऋषि ऋषि, कब तक खाना बनेगा यार? उफ, बहुत भूख लग रही है मुझे। ऋषि ने कहा, अरे हाँ बन रहा है यार, बस बन गया, मैं आ रहा हूँ, बस एक मिनट। दिखाओ 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 क्या बना है, क्या बना है, क्या बना है। उफ, थोड़ा तो सब्र रखो मेरी धर्म पत्नी जी। जस्ट वेट एंड वॉच एंड देन टडा, तुमने केक बनाया है? यस, बट किस खुशी में? स्टुपिड, भूल गई तुम, आज हमारी एनिवर्सरी है। ओ माय गॉड, आई एम अ बैड वाइफ। सीरियसली मैं भूल गई, यूजुअली हस्बैंड्स भूलते हैं और यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, मेरी पत्नी भूल गई कि आज हमारी एनिवर्सरी है। ये है मेरा सरप्राइज संगीता, हैप्पी एनिवर्सरी। मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ और हमेशा हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। आई लव यू संगीता। थैंक यू सो मच ऋषि, आई लव यू टू। तो मैंने कहा था ना, ऐसे छोटे छोटे पल ही हमें लाइफ की सारी खुशियाँ देती है। ये तो था ऋषि और संगीता की स्टोरी।